Hello friends, welcome to Yogic and Modern Science. Today I will take a very important topic which is the primal sound, or which is also called in Sanskrit and Hindi Sabad, Shabd, the word. Now in Sant parlance, in Sant Mate, they say the whole creation happened because of the primal word or Sabad. This is the Sabad which created the whole universe, the whole cosmos. Now many people say Sabad is what their masters say through words, that is Sabad. And some people say Sabad is Bhajan Kirtan, this is Sabad. Now today I'll be exploring, together we will be exploring about what is this Sabad. Sarmaji, aaj Sabad ki baat karte hain ki Sant Mate mein Sabad ke baare mein bahut kuch kaha gaya hai. Kabir Das ji ne bola Sabad ke baare mein, aur jitne bhi Sant Mate mein sant hue hain, Sant Palto, Dado, un sab logon ne Sabad ki baat ki hai. Aur yadi unke shlokon ko, unka pad ko, yadi chabaiyon ko, दोहों को पढ़ें, तो उसमें आता है कि शब्द से ही सब कुछ बना है, है ना. एक दोहा भी है, शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, इस तरीके का जी. ठीक है, सब कुछ शब्द से ही निर्मित हुई है हर चीज. ठीक है, बहुत से लोग बोलते हैं कि शब्द कुछ नहीं, जो गुरु बोलते हैं वो शब्द है. ठीक है, जो प्रवचन है उनका वो शब्द है. बहुत से लोग कहते हैं जो कीर्तन भजन होता है वो शब्द होता है ना. शब्द कीर्तन बहुत प्रचलित है सिख धर्म में कि भाई शब्द कीर्तन हो रहा है. ठीक है, उसमें हम लोग जा रहे हैं, गए थे. तो ये क्या है, ये शब्द, शब्द से कैसे ये पूरा एग्जिस्टेंस, जो पूरी सृष्टि कैसे पैदा होती है. शब्द के बारे में जो योगिक विज्ञान ये कह रहा है कि पहले हम ये चीज़ देखें कि ये शब्द मूल में कहाँ पे ये शब्द आया, कहाँ पे ये शब्द की उत्पत्ति हुई, और क्या ये शब्द कहीं कोई ऐसी स्थिति है जहाँ पे ये शब्द की कोई साउंड नहीं, आवाज़ नहीं उसकी. तो अगर हम पहली स्थिति में जाएं तो जीव आत्मा में, जहाँ पे हमने पहले ही ये कहा था कि जो तीन स्थिति हैं कि जीव आत्मा में एक स्पेस है जहाँ फूलना सिकुड़ना है, तो शब्द दो, जब दो केंद्र में कोई चीज़ चलती है तो उसमें एक शब्द बीच स्पेस में एक शब्द होता है. तो जितनी तेज गति होगी उतना तेज शब्द होगा, और उतनी शक्ति उसमें ज़्यादा होगी, और उतनी जितना स्लो धीरे गति होगी तो धीरे गति में साउंड कम होगा. और ऐसी भी स्थिति होगी, वो स्थिति कहीं किसी के अंडर में, बाउंड्री वाल के अंदर बंद है, तो वो शब्द ना भी सुनाई दे सकता है. ऐसा, ऐसी एक शब्द की स्थिति जो जीव आत्मा में है वो अंदर ही अंदर हो रही है, वहाँ आवाज़ नहीं आ रही है. मगर ये शब्द जब हम किसी हमने जो अभी तक आपने प्रकृति बोला, हमने उसे आत्मा बोला है, तो आत्मा में जब आत्मा को आधार बना करके परमात्मा जब उसके ऊपर से रनिंग करता है, गिरता है और उठता है, वहाँ एक तेजी या तेज से जब उसकी गति पकड़ लेता है तो उसमें एक गति में एक प्रकाश भी होता है और उसमें एक शब्द भी होता है और उसमें एक रफ्तार भी, गति भी होती है. तो तीन चीज़ें वहाँ पे होती हैं, और ये तीनों चीज़ें एक अंडाकार चीज़ में, अंडाकार को एक नियंत्रण करें या उसके नेगेटिव पॉजिटिव करें, या उसकी, चाहे हमने पहले भी ये कह चुके हैं कि चाहे उसकी कोई घनत्व चुंबकीय सिस्टम पे बात करें तो इसमें वो चीज़ है. तो अब एक चीज़ तो ये, एक चीज़ तो हमने ये स्पष्ट करी कि ये शब्द अंडे का स्थिति, अंडे को बाहरी, अंडे के बाहर की तरफ से ये चीज़ हो रही है, उसका ऑरा में हो रही है. अब हम अगर देखते हैं किसी समूह की बात करें, तो कुछ कोई पृथ्वी है, मंगल ग्रह है, हम हैं, कोई पेड़ है, कोई पौधा है, कोई जीवाणु है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई रेंगने वाला है, कोई कैसा है, कोई भी चीज़ है, कोई मिट्टी है, कोई लकड़ी है, कोई लोहा है, इनमें सब में शब्द हो रहा है. और इनमें सब में जो शब्द हो रहा है ये सामूहिक शब्द है, तो सामूहिक एक ऑरा इनका है, उसमें एक शब्द हो रहा है.
अच्छा, दूसरी अगर हम चीज ये देखें कि क्या ये ब्रह्मांड के अंदर अगर सभी चीज सभी स्थिति में शब्द हो रहा है तो क्या कंप्लीट ब्रह्मांड में कोई शब्द हो रहा है? कंप्लीट ब्रह्मांड को जो हो सकता है कि ब्रह्मांड छिन्न भिन्न हो जाता अगर किसी शब्द के ये माध्यम में ना होता, तो ये तो ब्रह्मांड कहीं से कहीं चला जाता, आकाश गंगाएं कहीं भाग जाती और इसके ग्रह कहीं भाग जाते, सौर मंडल कहीं भाग जाते, इसे तो खदेड़ दिया जाता, ये आपस में बिखराव इसका हो जाता, तो एक ब्रह्मांड का जो एक आकार है उस आकार के बाहर एक शब्द हो रहा है। तो ये शब्द की जो स्थिति है मूल में हमने ये बताई। अब हम शब्द को इस तरीके से थोड़ा सा विवेचना करेंगे, व्याख्या करेंगे कि शब्द आखिर ये शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश और शब्द से शब्द हुआ प्रकाश। अगर गुरु ग्रंथ साहब में इस तरीके के एक दोहा है और संत नीति ये बताती है, तो सभी ने ये शब्दों की जो बात कर रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि शब्द से निर्माण होता है। कि शब्द जब हमने पहले ये चीज स्पष्ट करी थी कि दो स्थिति में कोई चीज चलती है तो जो स्पेस होता है वहाँ एक शब्द होता है। अगर वो अंदर में है, हमारे अंदर में शब्द हो रहा है, प्राणों का शब्द है, तो शब्द ये अंदर में है, कितने आपने सुने? तो शब्द जब अंदर में आपको सुनाई नहीं देगा, अगर आपने सुन भी लिए प्राणों के शब्द, तो फिर उन प्राणों में जो की वायु सूक्ष्म है, उस सूक्ष्म के अंडों में हो रहे शब्द वो कौन से आपको सुनाई दे रहे हैं? तो जैसे कि आपने अगर किसी चींटी या चींटे को आप पैर पड़ गया तो वो अगर हाथ पैर पटक रही है और आप उसको देख रहे हैं तो उसका शब्द कौन सा आपने सुन लिया? एक समूह का शब्द आप नहीं सुन पा रहे हो, तो किसी एक व्यक्ति एक सिंगल अंडे को आप अकेले अंडे को शब्द कैसे आप सुन पाओगे? तो ये शब्द की अपनी अपनी ना सुनने की और सुनने की। पेड़ पौधे सभी अपने शब्द कर रहे हैं, ये लकड़ी और ये दरवाजे शब्द करें जिसे हम निर्वीज निर्जीव कह करके शास्त्र में बोल देते हैं, तो ये शास्त्र की अपनी गणना है, सब व्याख्या है कि जिसे निर्जीव, मगर मेरी दृष्टि में कोई चीज़ निर्जीव नहीं है, नहीं कोई चीज़ निर्जीव नहीं है, सब में शब्द हो रहा है, सब में शब्द हो रहा है, सब समूहों में शब्द हो रहा है, सब एक अकेले अंडे में भी शब्द हो रहा है, तो शब्द सभी में हो रहा है, स्लो हो रहा है या गति में पकड़ा हुआ है वहाँ, या सॉफ्ट में हो रहा है या उसके घनत्व हार्डनेस में ज़्यादा हो रहा है, तो ये सभी जगह शब्द हो रहे हैं और ये शब्द नाना प्रकार हैं। ये संसार को शब्दों के तरीके से भिन्न भिन्न भी अगर आप बांट लें तब भी मुझे कोई आपत्ति नहीं, कि अगर जैसे हमने किसी सूरज के आकार को अगर हम स्थिर पानी में देखें तो एक अंडाकार दिखाई देगा, मगर अगर हम पानी को हिला लें खुद ही और को हिला लें तो उसको हम कई आकारों में उसको देख सकते हैं और कई आकारों में हिलता हुआ उसके नाना प्रकार उसके हम चित्र या देखने की हमें क्षमता है कि हम देख सकते हैं। ये संसार में भी आप नाना प्रकार के शब्द हैं और जहाँ शब्द हो रहा है वहाँ से तो आप इस संसार को प्रतिबिंब में देख सकते हैं, वहाँ आत्मबोध से ही ये सब देखा जा सकता है। तीन जो चीजें हैं, तीन स्थिति जो है वहां की, वो तीन स्थिति आत्मबोध में दिखेंगी, समझेंगी, सुनाएंगी। और यहाँ पर जो ये शब्द हैं ये नाना प्रकार आप देख लें, इनको नाना प्रकार अपने तरीके से व्याख्या कर लें तो वो एक शब्द हैं, वो तुम्हारे अपने शब्द हैं। किसी ने शब्द अगर कीर्तन आपने बोला कि कीर्तन, ठीक है आपने कीर्तन शब्द कहा, वाणी को ही आप शब्द कह रहे हो, तो शब्द कहना ये गुरु के शब्द हैं, ये गुरु के शब्द हैं तो ये गुरु के आपने शब्द मान लिए। तो अगर आप कहते कि नहीं जी गुरु के उपदेश हैं और ये हमारी सीधे अंतर आत्मा में उतर रहे हैं, इसे आपने शब्द मान लिया है, तो ये मेरे समझ से बाहर है कि अगर किसी के शब्द अंतर आत्मा में उतर रहे हैं तो बोध वाला व्यक्ति भी अगर उस शब्दों को बाद में बोध की परिस्थिति से हट करके ये अगर वो शब्द कुछ कह रहा है, बाणी कह रहा है, तो वो भी काल्पनिक है, इसलिए क्योंकि वो बोध के समय पर ना तो उसके पास कोई बोलने की क्षमता थी,
ना कुछ लिखने की क्षमता थी, किसी चीज़ की कोई क्षमता नहीं। इसलिए कबीर साहब ने एक बहुत बढ़िया एक संदेश दिया कि करी करी कल्पना वेद बनाए, भूला वेद पुराणन में, और राम की कही तो राम को जाना, और कृष्ण की कही तो कृष्ण को माना, अब अपना रूप नहीं पहचाना। भूला फिरे बेरंग में जीव, ये तेरा रंग नहीं है, ये हीरा नहीं, ये नमक कांच है। तो जहाँ आप दूसरी जगह सामने शब्द किसी को सुना रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, ये काल्पनिक हैं। मैं अपने लिए भी यही बात कह रहा हूँ कि भले ही चाहे बोध की स्थिति रही हो, उस वक़्त कुछ भी नहीं, जिस वक़्त वेदों का ज्ञान जिनको हो रहा था उस वक़्त कलम पेंसिल नहीं थी, ये बाद में है, इसलिए ये काल्पनिक हैं। तो काल्पनिक ये जो अभी हम बोल रहे हैं ये भी एक काल्पनिक है, मगर यथार्थ स्थिति में नहीं था, मगर उसका संदेश बताने का प्रयास किया जा रहा है। यथार्थ कह पाना या शब्द से किसी को वाणी से समझा देना ये कोई संभव चीज़ नहीं है, ये संभव नहीं है। तो ये असंभव चीज़ को संभव बनाने के लिए प्रयासरत हैं, बाकी ये ऐसा होता नहीं है। बाकी ये चीज़ है कि वो समय उस वक़्त थी परिस्थिति, अभी परिस्थिति इस वक्त संसार में है, संसार आत्म में है, और आत्म संसार संसार से आत्मा भिन्न नहीं है और आत्मा से संसार भिन्न नहीं है। तो सवाल इस बात का ये खड़ा होता है कि क्या संसार आत्मा है, तो ये उसका आत्मा का ये तीन का पूरा ये सामूहिक जितना इतना बड़ा समूह देख रहे, ये उसके सारे प्रतिबिंब नाना प्रकार हैं, और ये उसके प्रतिबिंब हैं, और ये सभी के सभी काल्पनिक हैं, क्योंकि बोध में ये सब का सब कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देते, और उन तीन परिस्थिति में से कोई परिस्थिति अन्य परिस्थिति वहाँ जन्म नहीं लेती हुई दिखाई दे रही है। तीन के तीन ही हैं। वापसी अगर हुई है उसे वहाँ से वापसी होती है, तो ये नाना प्रकार उस वक्त हो जाता है, और ये जब नाना प्रकार हो जाता है तो इसमें यथास्थिति या यथा परिस्थिति संभव नहीं है। तो इसलिए ये समझाने हेतु ये सारी कल्पना में कही गई सब चीज़ें, ताकि ये बहुत सारे संदेश इस बात का है कि आपका संदेह आपका कैसे हटे, आप में से आपके मन बुद्धि विचार में से जो संदेह हो रहा है वो कैसे निवारण इसका हो, ताकि आप अपनी जाकर के मूल स्थिति में कैसे आप पहुंच पाए। सिर्फ इस चीज़ की जो संदेश हो रहा है, बाकी एक शब्द से हर चीज़ उत्पन्न होती है, और शब्द एक प्रहार है, शब्द से प्रहार हुआ, अगर कोई ग्रह टकराया तो छिन्न भिन्न हो गए, दोनों ग्रह छिन्न भिन्न हो गया, जो मजबूत ग्रह था उसने छोटे को तोड़ दिया, तो ये एक शब्द प्रहार भी एक शब्द है, और उसका शब्द का प्रभाव भी एक शब्द है। तो जिस तरीके से सूरज की किरणों ने सभी अंडों के ऊपर जैसे किरणें पड़ी, तो जो शब्द था, जो सूरज की किरणों में शब्द था, वो शब्द से सारे अंडे अपने को प्रकाश में हो गए, और जब सूरज की रोशनी हटी और हटने के बाद रात्रि जैसा अंधेरा हो गया, तो उन अंडों ने उस शब्द से अंधकार के शब्द को ग्रहण करके अंधकार में हो गए। तो अंधकार और शब्द ये कोई हमने ऐसा नहीं है, हम जब इसी शब्द को नहीं समझ पा रहे हैं ना सुन पा रहे हैं, तो कैसे आप शब्द की बात करते हैं। तो उतना ही ठीक है कि आप शब्द को कीर्तन कहो और शब्द वाणी को कहो और गुरु के शब्द हम इसको मान लेते हैं, मगर इन सब को मान करके आपको कितना लाभ होगा ये तो आप ही समझ सकोगे कि आपको कितना लाभ होगा। लाभ जब ही होगा जब आप अपने शरीर के अंदर के शब्दों के माध्यम से शरीर में अंदर जाने का प्रयास करेंगे और अपने को जानने का प्रयास करेंगे और अपनी जो आपकी जीवन शैली है, जीवन शैली जब तक आपकी संसार में होगी और संसार से आपकी वृत्ति नहीं चित्त मन बुद्धि चित्त में आएगी, तो मूल में मूल के शब्द को समझ पाना और देख पाना और सुन पाना ये संभव नहीं है। तो ये स्थिति शब्द के बारे में
आज थोड़ी कही है, जिसे हमने मूल भी बताया और यहाँ व्यापक शब्दों के बारे में भी बात करी। जिस तरीके से अगर छोटे छोटे समूह को हम नहीं देख पाते हैं, कि जैसे एक चींटी पे अगर पैर पड़ जाए, चींटी पे पैर पड़ जाए, वो अगर शब्द कुछ कर रहा है, वो शब्द ही हमें सुनाई नहीं देता है। तो हमारे कोई जरूरी नहीं कि हम कानों से जो सुन रहे हैं वही शब्द हों। शब्द हमें अंदर वाले सुनाई नहीं देते, बाहर के सुनाई देते, पेड़ पौधे बात कर रहे हैं हमें सुनाई नहीं देते, हम अपने को बहुत बड़ा शब्द के माहिर समझते हैं कि हम शब्दों का बड़ा हमें ज्ञान है, हम शब्दों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, हम शब्दों से हमने ये चीज़ श्रवण करी है। कानों से श्रवण की जो चीज़ें हैं ये कानों से नहीं, मन से भी नहीं, ये किसी भी स्थिति जब आपकी टोटल की टोटल आपकी जितनी इंद्रियगत ज्ञान है, जितने आपके आंतरिक आपकी तन्मात्राएं हैं, अगर ये सारी की सारी उस अपने को जब तक विद्यमान समझेंगी, तब तक अपने मूल शब्द में और शक्ति में और प्रकाश में नहीं हो सकते हो, ये संभव नहीं है, ये हो नहीं सकता। तो यथार्थ सम के हमने यथार्थ की बात करी और हमने इसमें आपको काल्पनिक की बात करी। तो यथार्थ के समय पर ये कापी पेंसिल और ये वाणी नहीं होती है, और ये जब हम यथार्थ से हट जाते हैं और परिस्थिति से उबर जाते हैं, उस वक़्त जब हम व्याख्यान करते हैं, तो ये भी एक काल्पनिक है। तो काल्पनिक और काल्पनिक शब्द में से आपको यथार्थ की ओर ढकेला जा सकता है, मगर काल्पनिक में ये संभव नहीं है, ये चीज़ काल्पनिक में संभव, यथार्थ काल्पनिक में संभव नहीं है। कोई अपने को अगर कहे कि नहीं जी मैं शब्द का ज्ञाता हूँ या सब, ये तो ये ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है। तो ये चीज़ इस वक्त योगिक साइंस ने इस तरीके का ये जो है विवेचना की और व्याख्या की जो शब्द के बारे में है। और शायद अगर किसी तरीके का कोई संदेह रहा हो तो ये नंबर है आपके पास में जो आपको दिखाई देगा, आप सत्येंद्र को फोन कर लीजिएगा, ये आपको समझा देंगे। ओके फ्रेंड्स, आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स। ओके, व्हाट शर्मा जी हैज सेड अबाउट सबद। ओके, टू बी वेरी प्रिसाइज, वेरी ब्रीफली स्पीकिंग, वी कैन अंडरस्टैंड दिस सबद बाय अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट दैट व्हेन the energy of consciousness come in contact with prakriti or atma, right, then you see the sabad is the property of consciousness or paramatma, right. Now the dynamism of the energy of consciousness is power, and it has two more properties: the property of sound, the primal sound, sabad, and light. So these are the three properties of consciousness. One is power, right? Second is light, and third is sound. Now these three things are present in all the creations which takes place later on. Okay, now in the original principles, in the universal principles, okay, in which there are three things: Paramatma, consciousness, pure consciousness, Prakriti, Atma, and combination of these two, that is multiple Jivatmas. Now the Sabad, the primal sound of the consciousness, is present in all the creations, in all the universal units, which is egg-like, right? So Sabad is present in everything. That is why we say that Sabad has created everything in the universe. The whole creation came out, okay, because of this Sabad. Sabad means the consciousness. This is the property of consciousness. If you just put aside consciousness, nothing will remain. Everything will be just dark. So it is the presence of consciousness or sabad due to which the whole creation is taking place. So this is what you need to understand, that the sabad is the property of consciousness or paramatma, although it has three properties: the sound, which is sabad, light, prakash,
and power, shakti. So these are the three attributes of the consciousness, and it is available, it is present as the aura in all the creations. Whatever types of creations are available, it is present. That is why it is said that Sabad has created the whole universe, the whole cosmos. Thank you.